हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होते हैं। दैट मींस कि मल्टीनेशनल कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, इसकी अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस वीडियो में हम ये सब भी डिस्कस करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इंस्टाग्राम पर एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई है कि मैम प्लीज़ इसको डिस्कस कीजिए। तो देखते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होते हैं, मीनिंग की बात करेंगे। द टर्म मल्टीनेशनल इज़ वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डिनोट लार्ज कंपनीज हैविंग वास्ट फाइनेंशियल, मैनेजेरियल एंड मार्केटिंग रिसोर्सेज। सो बात करें हम मल्टीनेशनल, ये जो वर्ड है मल्टीनेशनल, जिसे आप बहुराष्ट्रीय बोल सकते हैं कि जब आप बहुराष्ट्रों में, दैट मीन्स कि एक से ज़्यादा राष्ट्रों में बिजनेस होता है, और कैसे बिजनेस या कौन सी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका हो सकता है, तो जिनके पास फाइनेंस बहुत ज़्यादा है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैनेजमेंट की अगर बात करें तो उनका जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांगली वर्क कर रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से वो काम कर रहे हैं। और मार्केटिंग की बात करें तो उनके मार्केटिंग रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, जिन कंपनीज़ के अच्छे होंगे वो लार्ज स्केल पर अपने बिजनेस को करना चाहेंगी, और जब कहीं भी उनका बिजनेस लार्ज स्केल पर होगा तो जाहिर सी बात है वो किस कहीं पर भी एक देश में रुक कर नहीं रहेंगे, किसी भी एक कंट्री में सीमित नहीं रहेंगी। तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या करती हैं, अपनी ब्रांचेस को लेकर जाती हैं ताकि वो अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकें पूरा वर्ल्ड वाइड। तो हम ऐसी कंपनीज़ को बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, या फिर इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो MNCs बोलते हैं। क्लियर बच्चा? और इसको डिटेल में समझते तो ये याद रखिएगा कि हर कोई नहीं जा सकता एक इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करने, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन, मैनेजमेंट उनका स्ट्रांग है, साथ ही उनके जो मार्केटिंग के रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी उनकी पोजीशंस होती हैं, उनकी कंडीशन होती है, तभी वो कंपनीज़ एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ बन सकती हैं। ठीक है, तो मल्टीनेशनल वर्ड जो है वो आपको वाइडली एक्सप्लेन करता है कि वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस है वो कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के। क्लियर? अभी अगर आप अपने क्वेश्चन को और थोड़ा सा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, ज़्यादा नंबर चाहिए, तो आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में, देन आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मल्टी नेशन कॉरपोरेशन, मल्टी दैट मीन्स कि मैनी टाइप्स, मैनी कंट्रीज़ की बात करें तो ज़्यादा, एक से ज़्यादा, नेशंस की बात करें सो कंट्रीज़, कॉरपोरेशन की बात करें दैट मीन्स कंपनीज़, तो ऐसी कंपनीज़ जो एक से ज़्यादा कंट्री में अपने बिजनेस को लेकर जा रही हैं या वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, मीन्स दूसरी कंट्री में भी एग्जिस्टेंस रखती हैं अपने बिजनेस की, तो हम बोल सकते हैं कि वो कंपनी किस टाइप की कंपनीज़ में आ जाएंगी, वो MNCs में आती हैं। दैट मीन्स कि वो किस टाइप का कॉरपोरेशन कहलाएगा, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन आप उसको बोल सकते हैं आप। और अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो आप और भी ज़्यादा इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इन योर वर्ड्स, जो भी आपको ईजी लगे उस तरीके से। मेरा काम सिर्फ आपको इसको समझाना है, आप इसको जितना लेंथी बनाना चाहें इसका आंसर बना सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको पूरा प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा और हम देख लेते हैं एग्जांपल्स के तौर पर भी। MNCs आर लाइक होल्डिंग कंपनीज, MNCs की बात करें तो ये होल्डिंग कंपनीज होती है। होल्डिंग कंपनी दैट मीन कि एक ऐसी कंपनी जो किसी पर डिफरेंट टाइप्स की हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को कर रही हो या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ काम करती है, बिजनेस करती है, ठीक है, होल्ड करती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती है करने की, और उसका हेड ऑफिस किसी एक कंट्री में होता है लेकिन उसकी ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में होती हैं। हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन वन कंट्री, जिसका हेड ऑफिस जो होगा वो किसी एक कंट्री में होगा, एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ स्प्रेड विद इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड अदर कंट्रीज़। और हेड ऑफिस तो एक कंट्री में होगा, साथ ही साथ अगर उसकी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो उस एक कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन, मींस उस क्षेत्र में हो सकती हैं। जैसे कोई इंडिया की कंपनी है तो उसने क्या किया कि पहले इंडिया में अपने बिजनेस को उसने अपना बिजनेस सेटअप किया है, अब वो इंडिया में सक्सेसफुल हैं, तो वो क्या करेंगे कि जो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पर वो अपने बिजनेस की ब्रांचेस को लेकर जा सकती है। साथ ही अगर वो पूरे इंडिया में उनका बिजनेस बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुका है, सेटअप हो चुका है, तो देन वो अब कहाँ पर वो उसका ध्यान होगा, कैसा मार्केट कैप्चर करना होगा, इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर करना होगा। तो जब वो एक इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट करती है या अपना बिजनेस सेटअप करती है, अपनी ब्रांचेस ओपन करती है, तब हम वहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। सपोज जैसे कि इंडिया की कोई कंपनी है वो जापान में भी अपने ब्रांचेस ओपन कर रही है, कोरिया में भी ओपन कर रही है, चाइना में ओपन कर रही है, USA में कर रही है, तो आप ऐसी कंपनी को बोल सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज है।
ठीक है, तो पहले तो अपने उस देश में जहाँ पे हेड ऑफिस है वहाँ पर स्प्रेड करेगी अपने बिजनेस को, उस क्षेत्र में करेगी, साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में भी लेकर जा सकती है। ठीक है, तो वो MNCs का पार्ट होगी, वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइक IBM कंप्यूटर। IBM जैसे कि हमें मालूम है एक टेक कंपनी है, एंड पेप्सिको कोला फ्रॉम USA, ये USA की कंपनीज़ है। तो ये क्या है, इनकी ब्रांचेस हर जगह हैं। सोनी एंड होंडा की बात करें जो कि जापान की कंपनी है, लेकिन इनकी ब्रांचेस कई जगह कई कंट्रीज़ में देखने को मिल सकती हैं आपको। फिलिप्स फ्रॉम हॉलैंड की बात करें तो फिलिप्स जो एक हॉलैंड कंट्री की कंपनी है, ठीक है, कॉरपोरेशन है, तो ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का पार्ट है ये कंपनी भी, क्योंकि इसका हेड ऑफिस जो होता है वो हॉलैंड में होता है। जैसे सोनी का हेड ऑफिस जो है वो जापान में है, सैमसंग का जो हेड ऑफिस है वो साउथ कोरिया सोल में है, सैमसंग जो हमारा ये फ़ोन एक ब्रांड है, ठीक है, तो वो कोरिया की है, तो उसका हेड ऑफिस कोरिया में है, जो सोल है उनकी, जो अपनी कैपिटल है, ठीक है, वहाँ पर है, और उसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस अदर कंट्रीज़ में भी हैं। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो एक MNCs का पार्ट है, ठीक है। एटसेट्रा आर सम ऑफ द MNCs ऑपरेटिंग एट इंटरनेशनल लेवल, क्लियर। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैंने बस कुछ यहाँ पर ली हुई हैं, देखा जाए तो बहुत सी हैं, आप सर्च कर सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ कौन कौन सी है, या कॉरपोरेशंस में ऐसी कौन सी कंपनीज़ को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी बिज़नेस अगर लार्ज स्केल पे अपना बिजनेस कर रहा है, एग्जिस्टेंस में है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का पार्ट है, क्लियर। अभी इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ MNCs। एरिया ऑफ ऑपरेशन, एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात करें बच्चा, तो कहाँ से वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करेंगे जो MNCs है। हम सभी को पता है कि जाहिर सी बात है हम एक ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जो प्लेस डेवलप हो। तो ये MNCs जो हैं ज़्यादातर जो डेवलप कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, ठीक है, लाइक USA, जापान, जर्मनी, है ना, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं वो कोशिश करेंगे कि वहाँ से अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, ठीक है। तो वो डिसाइड करना कि एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए, कि वो बिज़नेस कहाँ से उन्हें ऑपरेट करना है ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी मार्केटिंग रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें, ठीक है, और उन्हें एक अच्छा मार्केट मिल सके। राइट, जब मार्केट होगा मीन्स जहाँ पर लोग होंगे और जहाँ पर लोगों के पास पैसा होगा, तो जाहिर सी बात है कि पैसे उन्हीं के पास होते हैं जो डेवलप प्लेसेस पर लोग रह रहे हैं, जो इनकी अर्निंग अच्छी है, तो वहीं पर आपका जो बिज़नेस होता है वो आगे चल पाता है, क्लियर। ओरिजिन की बात करें तो ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ थी, डेवलप कंट्रीज़ में हो रहे थे बिजनेसेस, मल्टीनेशनल कंपनीज एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन पहले भी कर रही थी, लेकिन जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ आपका, फिर उसके बाद से अचानक से जो चीज़ें चेंज हुई, फिर लोगों किस तरीके से डेवलपमेंट अपना स्टार्ट किया, लाइक जैसे बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जिन्होंने बहुत जल्दी से बहुत एडवांस उनकी ग्रोथ हुई है, लाइक जापान हो गया, ठीक है, एंड नाउ अभी करेंटली अगर हम बात करें तो जो जैसे कोरिया एक कंपनी है, बहुत एडवांस्ड कंपनी है, कंट्री है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी उन्होंने बनाई हैं जो बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर करती हैं, ठीक है, थेके? तो अभी MNCs का पार्ट वहाँ पर भी है, चीन खुद है, एक ताइवान भी है, मीन्स आज के टाइम में जैसे हमारा इंडिया भी आज के टाइम में बहुत अच्छा इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो डेवलप हो रहा है, तो हम बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारी जो कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो वहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म की बात करें तो जो बच्चा जैसे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये जो टर्म है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो बहुत बड़ा है, व्यापक है, है ना, शुद्ध भाषा में बात करें तो व्यापक, दैट मीन्स एक लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो तभी तो वो कंट्री डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में उस पर्टिकुलर कंपनीज़ की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस वर्ड की जो आपका है मल्टीनेशनल, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म की बात करें तो बहुत बड़ा है और एक कंट्री की बात नहीं होती है इसमें, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में एक ही कंपनी की कई सारी ब्रांचेस होती है उसकी बात हो रही होती है यहाँ पर, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव की बात करें, प्रॉफिट मोटिव अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका ज़्यादातर जो मोटिव होता है, पहले तो आप लोगों की सेवा, कहते नहीं ग्राहक भगवान के समान होता है, ठीक है, तो वो कस्टमर को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर हम MNCs की बात करें तो वो इस बात का ध्यान नहीं रखते, उन्हें सिर्फ बिजनेस करना और प्रॉफिट अर्न करना, उन्हें सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, लोगों का कल्याण हो रहा है नहीं हो रहा डजेंट मैटर, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो वो उनका जो मेन मोटिव होता है वो यहाँ पर मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, याद रखिएगा। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होता है, मैनेजमेंट दैट मीन्स कि
एमएनसीज जो कंपनीज हैं उनका अपना जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग होता है इंटरनली और एक्सटर्नली। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़, एमएनसीज कंपनीज में ज़्यादातर वो कंपनीज आती हैं जिनका काम होता है मैन्युफैक्चरिंग करना या फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होती हैं, तो ये एमएनसीज का ज़्यादातर पार्ट होती हैं। और आजकल जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो ड्रग्स वगैरह बना रही हैं या जो टेक्निकल चीज़ें बना रही हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ये इस टाइप की कंपनीज इसमें आ जाती हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो एमएनसीज में जल्दी आती हैं, ठीक है। क्वालिटी कॉन्शियसनेस की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर क्वालिटी आप एक प्रोडक्ट में नहीं दे रहे हैं तो क्या वो प्रोडक्ट या उस प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट के साथ आपने बिज़नेस स्टार्ट किया वो लॉन्ग टाइम तक चल पाएगा क्या? नहीं, जाहिर सी बात है जब चलेगा नहीं तो वो तो जहाँ जहाँ था वहीं पर रहेगा और वहीं पर ख़त्म भी हो जाएगा। दैट मीन्स कि क्वालिटी कॉन्शियसनेस होना इम्पॉर्टेंट है। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में जितनी भी कंपनीज आती हैं ना, उनकी जो क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत ध्यान देते हैं कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है उन्हें कस्टमर को या लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें एज़ अ फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एग्जिस्ट करना चाहिए और आपको याद होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, तो आप इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने हेडिंग डिस्कस की हैं, आप इसको इन हेडिंग्स को 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, तो आपका आंसर और लॉन्ग बन जाएगा। यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरा टॉपिक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्लियर हो गया होगा, क्या होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।